तीन वर्षों तक दुनिया को बर्बाद करने वाला कोरोना भी सिर उठा रहा है। भारत में 6 लोगों की मौत एक ही दिन में हुई है। सैकड़ों नए केस आ चुके हैं। दुनिया में करीब 70 लाख लोगों की जान लेने वाला वायरस नई शक्ल लेकर आया है। केरल और कर्नाटक से बुरी खबर है। राजस्थान और दिल्ली हाई अलर्ट पर हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर डर बहुत ज्यादा है। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 काफी तेजी से फैल रहा है। इस वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट ने बेहद तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। भारत में इस वेरिएंट के अब तक 21 मरीज सामने आए हैं, लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन तक ये वेरिएंट लोगों को बीमार करता जा रहा है। भारत से पहले कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 अब तक 40 देशों में फैल चुका है। अगर ये बेकाबू हुआ तो दुनिया भर में 2020, 2021 और 2022 जैसी तबाही मचा सकता है। 7 महीने में कोरोना के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा असर केरल पर है, जहां कोरोना के 88% एक्टिव केस हैं। जब दुनिया नए साल का जश्न मनाने की तरफ बढ़ रही है, तब कोरोना का नया वेरिएंट तबाही मचाना चाहता है। भारत में 24 घंटे के अंदर 350 से ज्यादा केस आए हैं और इनमें केरल से सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नए केस को लेकर समीक्षा की है। उन्होंने राज्यों से कहा है कि अलर्ट हो जाएं, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस साबित करते हैं कि कोरोना लौट रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। हालांकि लोगों के मन में कुछ सवाल है। लोग जानना चाहते हैं कि नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, JN.1 में क्या लक्षण दिखते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखकर राज्यों के अस्पताल अलर्ट हैं। वो इसलिए क्योंकि 2020 के बाद दुनिया ने इससे सबसे बड़ी तबाही देखी। दुनिया ने लाखों मौत देखी। एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक चरमराते हुए अस्पताल देखे, लॉकडाउन देखा और अरबों का कारोबार ठप होते देखा, नौकरियां जाती देखी, लोगों की जिंदगी तबाह होती देखी। ये सब एक वायरस ने किया और अब 2024 की शुरुआत भी इसी वायरस से हो रही है। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड, इन राज्यों में रोजाना आने वाले मामलों में तेजी से बढ़त आ रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इन राज्यों को खास तौर पर चौकन्ना रहने को कहा है। 2019 से लेकर अब तक कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। बार बार उसके नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। JN.1 वेरिएंट भी एक नया वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन से निकला है। JN.1 वेरिएंट का पहला मरीज यूरोप के देश लग्जमबर्ग में मिला था। वहां से फैलते फैलते सितंबर में JN.1 वेरिएंट अमेरिका पहुंचा। 3 महीने में वहां हाल ये हो गया है कि JN.1 अमेरिका में कोरोना का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बन गया है। We need to be cautious but not panicky. We don't need to worry because we don't have any data to suggest that this variant JN.1 is more severe or it's going to cause more निमोनिया और मोर डेथ, ऐसा कोई डेटा नहीं है। सो कोरोना के लिए वैक्सीन तो बना ली गई, लेकिन ये वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दुनिया को इस वायरस के साथ जीना पड़ रहा है। वक्त वक्त पर इसके नए वेरिएंट आते जा रहे हैं और तबाही का खतरा बढ़ने लगा है। And of course, COVID-19 is something that we are concerned about because this virus is circulating, it's evolving, it's causing severe infection, and it's causing deaths among many who aren't vaccinated or who have underlying conditions. Corona के नए variant JN.1 को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, वह बेहद चौंकाने वाली हैं। विशेषज्ञों ने लोगों से फिर से चेहरे पर मास्क लगाने और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचने की सलाह दी है। हालांकि आने वाले दिनों में 25 दिसंबर यानी क्रिसमस और 1 जनवरी को लोग नए साल के जश्न में डूबने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे कोरोना की वजह से हालात बिगड़ भी सकती है। अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि वहां जितने कोरोना मरीज हैं, उनमें 15-29% को बीमार करने वाला यही JN.1 वेरिएंट है। अमेरिका के साथ चीन और ब्रिटेन में भी JN.1 वेरिएंट ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। हालांकि WHO ने साफ किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा वैक्सीन JN.1 वेरिएंट के खिलाफ कारगर है।
लेकिन फिक्र तो है और घबराहट भी है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोरोना ने पैर न पसारे हों। इस वक्त भारत में भी कोरोना फिर से बड़ा खतरा बन सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, अब जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा भी, क्योंकि ये कोरोना को लेकर आंकड़े हैं, क्योंकि कोरोना फिर जान लेने लगा है और इसका असर दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, आप देखिए, आपको बताते हैं कि कोविड के कहां कहां से मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल केरल में 3 लोगों की जान जा चुकी है, यानी 3 लोगों को मौत का सामना यहां पर करना पड़ा है और जान गंवानी पड़ी है। किसकी वजह से? कोविड की वजह से। वही कर्नाटक का भी जिक्र कर लेते हैं। ये देखिए कोविड, आप यहां पर देखिए किस तरह से 2 लोगों की जान ले चुका है। वो कोविड, वो कोरोना जो हमें लग रहा था कि हमारे और आपके बीच में नहीं है, लेकिन एक बार फिर से उसकी दस्तक यहां पर सामने आई। पंजाब की तरफ आप देखिए, पंजाब में देखेंगे तो 1 की जान यहां पर कोरोना की वजह से जा चुकी है। ये वो फैक्ट्स हैं जिसे समझना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि ये आंकड़े किसी भी कीमत पर ना बढ़े। सावधानी बरतनी कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। आगे आपको और दिखाते हैं किस तरह से मौत का ये सिलसिला बढ़ता यहां पर जा रहा है। नया साल करीब आते ही कोरोना ने फिर सिर उठा लिया है। ठीक ऐसे ही हालात 2019 के दिसंबर में थे। साल बदल रहा था, 2020 की शुरुआत हो रही थी। तब भारत तो नहीं, लेकिन चीन के बाद कोरोना यूरोप समेत कई और देशों में फैलने लगा था। मार्च और अप्रैल आते आते यूरोप में इतनी मौत होने लगी कि कब्रिस्तान कम पड़ गए। दुनिया में बढ़ रहे केस के मुकाबले भारत में नए केस काफी कम है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में नए केस तेजी से बढ़े हैं। सबका फोकस इस वक्त केरल पर है, कर्नाटक पर है, राजस्थान पर है, लेकिन कई और सूबे हैं जहां की रिपोर्ट अब धीरे धीरे चिंता में डाल सकती है। और भारत में कोरोना के केस, कोरोना के मामले बेहद तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसे अब आप समझिए, एक्टिव केस 2500 को पार कर चुके हैं, यानी 2500 कोई कम आंकड़ा नहीं है। 2669 एक्टिव केस यानी इस वक्त मौजूद हैं जो अभी कोरोना का सामना कर रहे हैं। ये उन मरीजों की संख्या है। सिर्फ केरल का जिक्र कर लेते हैं जहां पर 2341 एक्टिव केस मौजूद है। वहीं पर आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक में 92 केस अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना के, यानी और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तमिलनाडु में 89 यानी 89 केसेस इस वक्त कोरोना के मौजूद है। ये एक्टिव केसेस हम आपको बता रहे हैं जिसे समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें राज्य दर तरीके से राज्य बढ़ रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में 45 इस वक्त कोविड के एक्टिव केस मौजूद हैं, यानी जो लोग इस वक्त कोरोना का सामना कर रहे हैं। वहीं गुजरात भी इससे अछूता नहीं है। गुजरात देखिए मेरे पीछे, गुजरात में 23 कोरोना के मामले इस वक्त मौजूद है, यानी 23 लोग इस वक्त कोरोना का सामना कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव यहां पर आ चुकी है। गोवा जहां पर लोग अमूमन इन दिनों बेहद जा भी रहे हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन भी है, ऐसे में गोवा में 19 केस अब तक कोविड के आ चुके हैं। ये वो राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले सामने आते जा रहे हैं। तेलंगाना का भी जिक्र कर लेते हैं। तेलंगाना देखिए 14 केसेस यहां पर सामने आ चुके हैं। ये फैक्ट है, 14 केस अब तक कोविड के सामने आ चुके हैं, यानी कि 14 मरीज जो है उनका इलाज जारी है इस वक्त। और ये मामले किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़े ना इसके लिए बेहद यहां पर जरूरी हो जाता है कि किसी भी तरह से जो सावधानी हम बरत रहे थे वो दोबारा से बरते। पंजाब का भी जिक्र कर लेते हैं। पंजाब में जहां कोविड की वजह से 1 की जान गई, तो वही 6 मामले इस वक्त मौजूदा वक्त में हैं और हो सकता है कि मामले यहां पर बढ़ें। इसीलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि वो तमाम सावधानियां जो हमने अपने अनुभवों से बरती हैं वो दोबारा से हर कोई यहां पर बरत सके। उत्तर प्रदेश, अभी भले ही आंकड़ा आपको कम लग रहा होगा, महज 3 यहां पर मरीजों की संख्या है, लेकिन यकीनन ये बढ़े ना, इसीलिए फिर से हम आपको ये पूरा फैक्ट दिखा रहे हैं। इस मैप को आप गौर से देख लीजिए, ये भारत का, ये पूरा भारत है जहां पर ये वो राज्य सामने आए हैं, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। ये वो मामले हैं जहां पर मामले बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ऊपर भी देख लीजिए, जम्मू कश्मीर 2 मामले आ चुके हैं। अभी फिलहाल बहुत कम ये आंकड़ा लग रहा होगा, लेकिन 2 से किस तरह से ये ना बढ़े और किस तरह से सावधानियां बरतें, बार बार इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा आपके सामने है। झारखंड में भी 2 केस आ चुके हैं, देखिए आंध्र प्रदेश में 1, मध्य प्रदेश में 3 और असम में 1 केस इस वक्त मौजूद है। ये पूरा मैप आप गौर से देख लीजिए, इन आंकड़ों को आप देख लीजिए, क्योंकि सावधानी बरतनी जरूरी है। कोरोना के जो नियम कायदे कानून हमने समझे थे उसे दोबारा से बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। राज्यवार तरीके से सरकार एक्टिव मोड पर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये मैप पूरा बताने के लिए काफी है कि किस तरह से एक बार फिर वक्त आ गया है कि इन आंकड़ों पर काबू किया जा सके।
2021 में उत्तर भारत में कोरोना से बड़ी तबाही हुई थी। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक हालात बहुत ज्यादा खराब थे। कोरोना को रोकने के लिए बड़ी तैयारी की गई, लेकिन जिस वायरस ने पूरी दुनिया को निगल लिया उसने भारत में भी असर दिखाया। अब उसका नया वेरिएंट JN.1 क्या करेगा, क्या ये और फैलेगा या इस पर काबू पाना आसान हो जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। कोविड को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, पूरी समीक्षा हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य में कल कुल 5 मरीज थे और सभी मरीज घर पर ही हैं और कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। नए वेरिएंट को लेकर अभी तक कहा गया है कि इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में हुई मौतों के बाद जाहिर तौर पर डर का माहौल तो है कि ये कहीं कोई बड़ी मुश्किल ना खड़ी कर दे। दुनिया में कोरोना वापसी करना चाहता है। 40 देशों में ये पहले ही नया वेरिएंट फैला चुका है। भारत में भी 2500 से ज्यादा केस हो चुके हैं। सवाल है कि केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारी क्या है। तब लोगों को जिला से लेके जिले के अंदर सभी लोगों को, सभी प्रभारी BHM सबको इंस्ट्रक्शन किया गया है और VC के माध्यम से आज सवेर में भी हम लोगों ने सब लोगों को इंस्ट्रक्शन किया है कि RT-PCR का टेस्ट करना है, 100 टेस्ट सब जगह करना है, 100 टेस्ट, और उसको टेस्ट को बाद में बढ़ाना भी, जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा बाद में बढ़ेगा भी, और जितने भी प्रोटोकॉल हैं उससे जो भी SOP है सबको मेंटेन करना है। भारत में 8 दिसंबर को JN1 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था। तब केरल की 79 साल की महिला इससे संक्रमित हुई थी, जिसके बाद केरल के पड़ोसी राज्य अलर्ट पर हो गए थे। अभी तक भारत में जो कोरोना के एक्टिव केस हैं उनमें 90% से ज्यादा मरीज अपने घर में ही रहकर इलाज करा रहे हैं, यानी उनको अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आई। WHO ने कहा कि मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर कारगर है, लेकिन लोग सावधानी जरूर बरतें। भीड़ भाड़ वाले इलाके इस वेरिएंट के फैलने में मदद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। नए JN.1 वेरिएंट के लक्षण भी कोरोना के बाकी वेरिएंट की तरह ही हैं। JN.1 की चपेट में आने पर सांस लेने में परेशानी होती है, हल्का बुखार चढ़ता है, मरीज को तेज खांसी भी हो सकती है, नाक बंद हो सकती है, गले में खराश रहती है, नाक बहती भी है, सिर में दर्द रहता है, पेट खराब भी हो सकता है और मरीज को दस्त भी लग सकते हैं। भारत में आए नए वेरिएंट JN1 में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षण दिखे। ये लक्षण नए हैं, इनमें बुखार आना, बदन दर्द, खांसी और थकान जैसी बातें शामिल है। बीमार होकर दवा खाने से हमेशा बेहतर होता है कि सख्त अनुशासन में रहकर बीमारी से बचे, इसलिए पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। चंडीगढ़ में लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी गई है, साथ ही कहा गया है कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। सरकार का कहना है कि JN1 वेरिएंट पर रिसर्च जारी है और अभी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। भारत में JN1 वेरिएंट वाले केस का कोई समूह नहीं मिला है, यानी बड़ी तादाद में केस नहीं मिले हैं। इस नए वेरिएंट को लेकर सभी मामले हल्के पाए गए और मरीज बिना किसी जटिलता के ठीक हो गए, लेकिन डर तो बना हुआ है। इस वक्त मास्क, साफ सफाई, संक्रमण से वायरस से बचा जा सकता है, यही कोरोना से लड़ाई का सही जरिया है। राजस्थान में भी इस वक्त कोरोना के मरीज हैं जो भरतपुर और झुंझुनू के अस्पताल में भर्ती है। राजस्थान अलर्ट पर है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में News18 India की टीम पहुंची तो ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि राजस्थान में भी कोरोना फैलना शुरू हो गया है। वहीं जिन लोगों को जानकारी थी वो भी इसे लेकर गंभीर नहीं है, हालांकि कई लोगों ने मास्क पहनकर सावधानी भी बरती। जयपुर के SMS अस्पताल पहुंचा हूं और यहां पर आप देखिए कि मरीज आ रहे हैं जाहिर तौर पर दिखाने के लिए, और यहाँ पर अब आप देखिए कि मास्क बेचने के लिए भी यहाँ पर अब मास्क देते हुए नजर आने लगे। इस वक्त कोरोना को लेकर दिसंबर बहुत अहम है। दिसंबर में अगर खुद को बचा लिया तो नए साल में भी सुरक्षित रहेंगे और हम अपने आसपास रहने वालों को भी बीमार नहीं करेंगे। इसलिए वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जो भी तरीके हैं उसे अभी से, इसी वक्त से अपने ऊपर लागू कर लीजिए।